हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी को हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर एक एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया गया है। तो आज हम लोग देख लेंगे कि कौन सा जो एग्जामिनेशन का यहाँ पर एडमिट कार्ड पब्लिश किया गया है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग जो उसको डाउनलोड करेंगे उसका भी हम लोग जो है देख लेंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आप लोग को जो यहाँ पर वेबसाइट है तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्ट आप लोग जो अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आया हूँ, इसका जो एडमिट कार्ड वाला सेक्शन आप लोग देख रहे होंगे, इस एडमिट कार्ड वाला सेक्शन में यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हालांकि यहाँ पर जो है तीन यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड पब्लिश किया गया है, तो एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो WBCS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन होता है 2020 का यहाँ पर दिया गया है, तो इसको कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे इसका मैं हम लोग बता देते हैं। सबसे पहले क्लिक हेयर ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना इनरोलमेंट नंबर देना होगा जो कि आप लोगों ने जो एप्लीकेशन भरते समय दिया था, तो उसको यहाँ पर देना होगा। देने के बाद आप लोग को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना होगा, देने के बाद सर्च कर देना होगा अगर आप लोग को नहीं पता है अपना इनरोलमेंट नंबर। दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर वही होता है जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते समय जो एक नंबर आप लोग को दिया जाता है, जिसको आप लोग को यहाँ पर साइन इन, आप लोग जो देख रहे हैं इस साइन इन करने के लिए जो नंबर आप लोग को देना होता है वही यहाँ पर देना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग फर्स्ट नेम देंगे यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर देने के बाद फिर से जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग को सर्च कर देना होगा। तो यही एक सिंपल तरीका है, यहाँ पर से आप लोग जो अपना जो एडमिट कार्ड इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो और जो दोनों जो नोटिस दिया गया है, मतलब एडमिट कार्ड का जो नोटिस दिया गया उसको कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है असिस्टेंट मैनेजर, तो इसका डाउनलोड करने के लिए आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ एक और नया पेज आ जाएगा जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम यहाँ पर प्रोसीड्यूर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को अपना इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद डेट मंथ ईयर देना होगा। अगर आप लोग ये सब नहीं पता है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, उसके बाद डेट मंथ ईयर यहाँ पर दे के आप लोग को जो है सर्च कर देना होगा। सर्च करने के साथ साथ आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर और एक जो दिया गया है उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर, तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के साथ साथ ही एक और नया पेज आ जाएगा जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम तरीका दे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को अपना इनरोलमेंट नंबर देना होगा, उसके बाद डेट मंथ ईयर देना होगा, देने के बाद सर्च कर देना होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, उसके बाद डेट मंथ ईयर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो ऐसे ही आप लोग जो है अपना जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तीनों जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक दिया गया है आप लोग हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में पा जाइएगा, तो वहाँ पर से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना अपना एडमिट कार्ड को। दोस्तों, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।